आज हम लोग के बीच में एक सफल प्रतियोगी 2021 में चयनित TGT हिंदी के पद पर आपका चयन हो चुका है। आप बहुत अच्छी बात है कि जिस जिले में आपका जन्मभूमि है आपके घर से ही बहुत ही पास में 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर आपको कॉलेज मिल गए हैं और आपने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड TGT 21 में विज्ञापन में आपने 84 प्रश्न सही किया था और बहुत ही नज़दीक आपने कॉलेज पा गए हैं। और राहुल कुमार जी 2016 की परीक्षा भी दिए, उसमें आपको असफलता मिली थी, फिर लगातार आप लगे रहे जो 2021 के विज्ञापन में आपके अच्छे अंक के साथ सिलेक्शन हो गए। तो आपका नाम है राहुल सिंह, पिता का नाम श्री हरिवंश सिंह, ग्राम विश्रामपुर, जिला गाजीपुर, जहां आपका चयनित विद्यालय है सुभाष इंटर कॉलेज फतेहपुर अल्लाहपुर गाजीपुर। और ये सुबह के बैच 9 से 11 बैच में आप पढ़ा करते थे और आपकी सफलता बड़ी सराहनीय है और बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही साधारण। और आप अभी बता रहे थे कि मैंने सर बहुत ज़्यादा लोग से संगत नहीं बनाई प्रयागराज में, बहुत ही कम समय में हमारा अकेले रहते थे। और हमें याद है कि इनके पिताजी स्वयं आए थे, हम उससे मिले थे, आप भी आए थे और फिर वो एडमिशन की बात की और जुड़े हमसे और आज सफल होकर के पूर्ण अध्यापक के रूप में चयनित होकर के और साल भर के बाद नौकरी करके तब आए। और चूंकि बहुत जल्दी ज्वाइनिंग करा दिया गया था तो आपको समय नहीं मिला और अपने ही गृह जनपद से नौकरी करते हुए आप अपने घर से ही कर रहे हैं आप, ये बहुत अच्छी बात है, ये सबको सौभाग्य नहीं मिलता है बात। तो आज हम लोग के बीच राहुल सिंह आए हुए हैं और अगर आप मेरे पास आते ना हम जान भी नहीं पाते कि आप सेलेक्ट हो गए हैं। संजोग से आप अपने बैच में आए, वहाँ भी बताए, तो आप अपनी सफलता के बारे में थोड़ा सा आप सुनेंगे आप लोग। मैं राहुल सिंह, सफल होने के पीछे मेरे आदरणीय माता पिता, मेरे प्यारे भाई जन और सबसे अधिक सफलता हमारे पास में सर जी हैं जिनके आशीर्वाद से, मेहनत से मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। जिन आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूं। अच्छा राहुल जी, जब कोचिंग में आप आए तो आपने परीक्षा में जो हम कराते हैं टेस्ट में, वहाँ कितने प्रश्नों से शुरुआत किए थे आप? पहले एग्ज़ाम में 28 नंबर आए थे। 28 प्रश्न सही जी थे सर आप। और फिर आपके होते होते कितने प्रश्न तक पहुँचे थे? प्रयास करते करते 100 तक पहुँचे। 100 तक पहुँच गए थे, वो आपका सिलेक्शन हो गया जी सर। अच्छा TGT में कितने प्रश्न सही थे आप? कितना बहुत कठिन प्रश्न आया था 2021 में जी? 82 क्वेश्चन। 82 प्रश्न सही जी। ठीक है, और आपका विद्यालय बहुत नज़दीक मिल गया है जी सर। अच्छा लग रहा है आपको नौकरी करते? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि घर के पास है जी। स्कूल पढ़ाना अच्छा लगता है आपको? जी बहुत अच्छा लगता है, वहाँ के स्टाफ लोग सभी अच्छे हैं और मानते भी हैं। अच्छा कैसे प्रयागराज में आप इतना समय दिए और कैसे पढ़ते थे आप रूम पे और इतनी भीड़ में आपसे भी ज़्यादा तैयारी करने वाले प्रतियोगी रहे होंगे? जब 2015 में मैं यहाँ पर आया तो एक दो कोचिंग देखा लेकिन हमारे एक सहपाठी ने यह बताया कि निरंतर कोचिंग में आप एडमिशन लीजिए, तो मैं आपके मार्गदर्शन में आया। मैं 2016 में का एग्ज़ाम दिया, उसमें असफल रहा लेकिन हार नहीं माना। आपके एक वाणी याद है, जब हम यहाँ पर आए तो आपने हमें मिष्ठान करके यह बताया कि हम मिठाई खिला रहे हैं, हमें एक दिन आपको भी मिठाई खिलाना होगा। तो हमें वह वाड़ी हमें लग गया और मेहनत करते रहे और आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं। अच्छा निराशा नहीं आती थी आपको जब? निराशा तो आई थी लेकिन मेहनत जो करेगा वो एक दिन सफल जरूर होगा। मतलब प्रश्न बहुत कठिन आया? हाँ। इससे घबराए नहीं आप जो है परीक्षा में? हाँ घबराहट हुई लेकिन करते रहे प्रश्न। मतलब आपका विश्वास था कि? हाँ, विश्वास था इतना क्वेश्चन पे हो जाएगा क्योंकि अनुमान था। फिर 16 का भी परीक्षा आप दिए थे जी सर। और आपकी दिनचर्या कैसे थी पढ़ने की, क्योंकि आपने बहुत इजी तरीके से सिलेक्शन लिया है जी? सुबह तो कोचिंग थी, कोचिंग करने के बाद हम 2 घंटे पढ़ाई करते, फिर उसके बाद आराम करते थे, फिर शाम को लग जाते थे, वही 12 बजे तक हम पढ़ते थे रात में। रात में सुबह कितने बजे जगते थे आप? सुबह 5 बजे जग जाते थे। 5 बजे, यानी कोचिंग आने से पहले भी आपकी पढ़ाई हो जाती? हाँ पढ़ाई हो जाती थी, सुबह 2 घंटे पढ़ाई कर लेते थे।
अच्छा, लोग कहते हैं रचनाएं नहीं याद होती हैं, तो इस पे आपको कहाँ तक समस्या आई रचनाओं पढ़ने में? जैसे रचनाएं पढ़ते होंगे भूलते थे आप, जी, तो ये कैसे तैयार करते थे आप? मन में अगर विश्वास है कि हमें इस पढ़ाई को हमको करना है, इसको याद करना है, तो वो चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हम याद नहीं होता था लेकिन लगे रहते थे, निरंतरता बनी रहती थी। सफल होने के लिए क्या जरूरी, ज़्यादा इम्पोर्टेंट? सफल होने के लिए आप लगे रहिए, बीच में ना छोड़िए, आप निरंतरता बनाए रखिए। 2016 में क्या कारण रहा कि आप असफल हो गए, जो है उसमें अपनी पढ़ाई में क्या कमी? हाँ, पढ़ाई में कुछ कमी रही, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया, फिर आगे बढ़ते रहे, पढ़ते रहे। विश्वास बना रहा कि आप? विश्वास बना रहा। तो जब आप 16 में असफल हो गए और बहुत भीड़ और देखे फिर आप 21 में, तो डर नहीं लगता था उस भीड़ से आपको? कुछ तो डर लगता था लेकिन हम हार नहीं माने। अच्छा, जब परीक्षाएं आप देते मन में, जी मन में ये था कि हम लेकर जाएंगे, मतलब सोचेंगे हम सिलेक्शन लेते हैं, लेकर जाएंगे। और इस सफलता में आपके और घर के कितने लोग का, सदस्यों का, आपका? माता पिता, गुरुजन, भाई बहन, और सबसे ज़्यादा आपका आशीर्वाद प्राप्त रहा। अच्छा, आप मिला करते थे हमसे ऑफिस में? जी सर, बीच बीच में। जी, बीच बीच में हम मिला भी करते थे। और कुछ बताएंगे पढ़ाई के बारे में, जो है जो प्रतियोगी निराश हैं उनका, बहुत अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी सफलता नहीं मिली? आप लोग लगे रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। एक राजा था, 16 बार लड़ाई हारने पर वह हार नहीं माना और 17वां बार वह जीत गया। इसीलिए बार बार मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए, यही सफलता की निशानी है। ठीक है। अच्छा, आप नोट्स पे ज़्यादा ध्यान दिए कि किताबों का भी अध्ययन किया आप? आप जो लिखवाते थे, पढ़ाते थे, उस पर ध्यान दिए और कुछ बीच में किताब पर भी ध्यान देते थे। अच्छा, आपके अनुसार 24 घंटे में आप कितने घंटे पढ़ाई आप रेगुलर कर लेते थे? 12-13 घंटा पढ़ाई कर लेते थे लगभग। जी, और रेगुलर होता था कि बीच बीच में? नहीं, बीच बीच में थोड़ा आराम भी कर लेते थे। जैसे परीक्षा लगी होगी तब ज़्यादा समय देते होंगे इसमें? जी, परीक्षा के समय ज़्यादा थोड़ा ध्यान देते थे, थोड़ा सा फ्रेश माइंड। और कुछ बताना चाहेंगे, कोई चीज़ माइंड में आपको हो? बस यही एक बात है, असफल होने पर घबराइए नहीं, लगातार लगे रहिए, बस। तो इस तरह आप राहुल सिंह की बात सुनी, और राहुल जी बता रहे थे कि हमने सर टेस्ट पेपर में जब परीक्षा दी तो हमने 28 प्रश्न से शुरुआत किया था और लगातार प्रयास करते रहे और लगभग 100 प्रश्न आने लगे आपके, और आपने जनरल की मेरिट 79 पे ही सिलेक्शन हुआ था। तो आप जो आपकी मेरिट बनी है 79 से ज़्यादा ही प्रश्न आपने किया था, और आपकी रणनीति रही कि आपने ऐसा विकल्प भरा कि आपको संजोग से आपको विद्यालय मिल गया पास में। और इस तरह राहुल जी की बातों को ध्यान दीजिए, ये मत सोचना और ही चीज़ जो, चूँकि आप पे समर्पण था, निरंतरता थी, और आपका कहना है कि हमने प्रयागराज में रह करके बहुत ज़्यादा लोगों से भी मतलब मित्रता नहीं की, ज़्यादा अपने काम से काम ज़्यादा मतलब रखते थे, तो शुरुआत में थोड़ा सा आपको भर्ती में दिक्कत हुई लेकिन दूसरी भर्ती में आपका सिलेक्शन हो गया। तो इस तरह कोई भी प्रतियोगी अगर इस तरह लगे रहेंगे, देखिए आप एक राजा की, शासक की बात याद आ गई कि अगर वो शासक इतनी बार हार करके जीत सकता है तो हम क्यों नहीं जीत सकते, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यानी हारना एक प्रकार से अनुभव है जी। तो आपने वो सीखा, मतलब वो एक शासक की बात याद रही आपकी कि 16 बार उन्होंने पराजित हुए थे तब भी 17वीं बार सफल हुए, तो हम लोग को तो दूसरी बार ही सफलता मिल जा रही है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा।